आज मैं बनाने लगी हूँ क्रीमी चिकन बाइट कढ़ाई। इसकी शक्ल देख के ही आपको लग रहा होगा कि ये कितनी क्रीमी और मज़ेदार है। तो चलें तो फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑयल लेंगे। 1 कप ऑयल है। यहाँ पर मैंने ये लिए 2 इलायची के दाने और एक इतना छोटा सा मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, चिकन हमारी फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 3 से 4 अदद प्याज ली है दरमियाने साइज की, इसको मैंने पीस लिया है पानी डाल के। अब मैं इसको एक छन्नी में डाल के रखूंगी ताकि इसका पानी निकल जाए। ये देखें, ये मैंने छन्नी में सारी प्याज डाल दी है पिसी हुई और ये देखें नीचे जो है ना सारा इसका पानी निकल रहा है। तो आपने इसी तरीके से रखनी है तो इसका पानी जो है ना वो निकल जाएगा सारा। यहाँ पर अब मैं प्याज ऐड करूँगी, जो मैंने प्याज पीस ली थी और इसका पानी भी मैंने निकाल लिया था। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून साबुन धनिया लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने हल्का सा भून लिया है तवे पे, खाली इसको भूना है मैंने। ठीक है, ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको कूट लूंगी हवन दस्ते के अंदर। वन टेबल स्पून हमारा ये मसाला डलेगा जो भी हमने पीसा है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। दही के अंदर हमने 4 चीज़ें डाली हैं, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च और साबुत धनिया और ज़ीरे को हमने हल्का सा भून के और कूट लिया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट के दही में शामिल करेंगे। प्याज अच्छे तरीके से हमारी भून चुकी है। अब हम इसके अंदर दही वाला मिक्सचर जो हमने बनाया है वो डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज कीजिएगा। अब हमने इसको दोबारा से भूनना है थोड़ी सी हाई फ्लेम पे। इधर हमारी दही जो है वो भून रही है और यहाँ पर मैंने ये 6 हरी मिर्चें पीस ली हैं। ये देखें दरदरी सी हैं, ये इस तरीके से बिल्कुल बारीक नहीं पिसी हुई हैं। तो आपने ये अब इसके अंदर डालनी है। जीरा और साबुत धनिया आपने जब यूज करना है ना तो वो लाजमी आपने भून के यूज करना है। हल्के से तवे के ऊपर आप उसको भून लीजिएगा, वो आप इसके अंदर डालिएगा। अब मैं इसके अंदर व्हाइट पेपर दोबारा डालूंगी इस टाइम पे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने उस टाइम दही में डाली थी, अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाली है भूनते हुए। 1/2 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर अभी सॉल्ट और डाल रही हूँ कि मुझे यहाँ पे कम लग रहा है। वन कप मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है, अब मैं इसको दोबारा से भूनूंगी। चिकन हमारी बस अब ये तैयार है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश कर देंगे। हमारी क्रीमी चिकन वाइट कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अपने घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को खुश कीजिएगा। मिलते हैं एक मजेदार सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।